हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ रविंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस प्रोजेक्ट चैनल। मैंने कुछ सामान मंगाया था मेकर बाज़ार से, तो चलो इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैंने जो जो सामान परचेस किया है मैं उसे दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो कर लेते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग। ये बॉक्स ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। चलो इसमें क्या क्या सामान है मैं दिखा देता हूँ और साथ ही इसका प्राइस भी बता दूँगा। ये मैंने रिमोट कंट्रोल ट्रांस रिसीवर मंगाया है, इसमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों कॉम्बो है। इसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला बना सकते हैं। जो भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला बनाएंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। पॉलीथीन से बाहर निकाल के देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसा है। रिमोट कंट्रोल का क्वालिटी तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो सर्किट है इसका ये बहुत ही छोटा है और उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं लग रहा है मुझे। ये चार चैनल वाला ट्रांस रिसीवर है, इसको चलाने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इसका रिमोट का बात करें तो रिमोट तो का लुक बहुत ही ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं रिमोट में सेल बैटरी लगा हुआ है और इसका स्विच इस प्रकार से बंद भी हो जाता है। रिमोट का लुक तो बहुत ही बेहतरीन है। और इस रिमोट में एक छोटा सा एंटीना भी लगा हुआ है लॉन्ग रेंज के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मुझे पड़ा है 219 रुपये। चलो अभी इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं कोई दूसरा कंपोनेंट। इसके बाद है ये एक कोब एलईडी है 12 वोल्ट में। ये कोब एलईडी 20 वाट का है, इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसे एक बार और मंगाया था, इसको फिर नेक्स्ट दोबारा मंगाया हूँ फ्रेंड्स। इसका प्राइस है मात्र 29 रुपये। चलो टेस्ट करके दिखा देता हूँ 12 वोल्ट की बैटरी से। इसका ब्राइटनेस बहुत ही मस्त है। इसके बाद ये एक डिस्प्ले वाला पावर बैंक मॉड्यूल है जिसमें एलसीडी डिस्प्ले लगा हुआ है। ये 2.1 एम्पियर का पावर बैंक है। इसका यूज करके आप 20,000 mAh तक की पावर बैंक बना सकते हो। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 199 रुपये। चलो इसे भी चेक करके देखते हैं ये चालू हो रहा है कि नहीं। इसको मैं छोटा सा हेडफोन की बैटरी से चेक करके देख रहा हूँ। ये देखो डिस्प्ले आ गया। अभी इसमें केवल 4% बैटरी चार्ज दिखा रहा है। और इसके बाद ये है जो कि आजकल YouTube में पूरा छाया हुआ है, मिस्ट मेकर। इसे मैं भी पहली बार मंगा रहा हूँ, पहली बार मंगाया हूँ। चलो इसे हम चेक करके देखेंगे ये कैसा वर्क करता है। इसके अंदर कुछ इतना सारा सामान निकला है, चलो हम इसे भी चेक करके देखेंगे। पहले इसका कनेक्टर इसमें लगा लेते हैं, उसके बाद इसको मोबाइल के चार्जर से चला के देखेंगे। ये मिस्ट मेकर कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। ये इसमें पानी डालने से भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ये मिस्ट मेकर का प्राइस मुझे 179 का पड़ा है। और इसके बाद है ये है एक स्टार लेज़र प्रोजेक्टर। ये 5 वोल्ट में वर्क करता है, इसका प्राइस मुझे पड़ा है 99 रुपये। ये चलता है USB पावर से, इसे पावर बैंक या किसी मोबाइल चार्जर में लगाना होता है। चलो इसे मैं चेक करके दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी पावर बैंक तो नहीं है, लेकिन मैंने जो ये टार्च बनाया है इसी में पावर बैंक लगा हुआ है, तो चलो इसी में लगा के चेक कर लेते हैं। यदि इस टार्च का मेकिंग वीडियो आपने नहीं देखा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से ग्लो होता है, ये आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारा स्टार बन रहा है और इसका ऊपर का टॉप घुमाने से इसका डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है। और इसके बाद है ये है लिथियम बैटरी कैपेसिटर इंडिकेटर। ये आपका बैटरी का फुल चार्ज है या आधा चार्ज है उसको दिखाएगा। ये 1 सेल से 8 सेल तक में वर्क करता है। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 85 रुपीज़, मतलब 85 रुपये। देखो मैं छोटा सा बैटरी से चेक कर रहा हूँ तो अभी इसमें 1% बस दिखा रहा है। एक LED ग्लो हो रहा है, मतलब ये कम से कम 5% है। मैंने इसे पावर बैंक से भी चेक किया था तो इसमें 4% वोल्टेज शो हो रहा था, तो ये बिल्कुल ओके है। इसके बाद ये लास्ट सामान हमारा ये छोटा सा बल्ब है जो इस डिब्बे में गुम हो गया था। इसके बाद अब और कुछ नहीं है। चलो इसे भी चेक करके देख लेते हैं।
ये वाला बल्ब पहले टॉर्च में लगता था फ्रेंड्स, अब एलईडी ने इसका जगह ले लिया है। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 10 रुपये। तो चलो इसे भी चेक करके देखते हैं। इसे मैं वही हेडफोन वाला बैटरी से चेक करके देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ग्लो हो रहा है। आने वाला वीडियो में फ्रेंड्स मैं इन सामानों का यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।